तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में फिर से अपन रेडियो पकड़ लिया, रेडियो जो कि पोर्टेबल है, जो कि मैंने स्क्रीन पर फोटो प्राइट करवा ही रखा हूँ। तो उसके बारे में फुल डिटेल रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बताएगा, मेरे रिव्यू वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए आपको इनकी ज़रूरत होगी। इसलिए मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा, क्या फीचर है, कैसे यूज़ करना है, कैसा रहेगा, कितने प्राइस रहेगा, सारा कुछ, आपको कहाँ से परचेस करना है, सारा कुछ डिटेल मैं आपको समझा दूंगा। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर, तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर स्क्रीन पर भी आपका आईडी दिख रही होगी। तो चलो गाइस, उस रेडियो के बारे में डिटेल में अपन बात कर लेते हैं पूरी। सबसे पहले तो रेडियो के नाम से शुरुआत करते हैं। तो पगारिया पोर्टेबल FM रेडियो, SW रेडियो वोल्ट ने 5 वोल्ट सावन ब्लूटूथ USB यहाँ पर पूरा भी रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है कि गाइस उसमें लाइट भी उसमें आती है। तो सामने से कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है, जो कि एक बटन देखने को मिलेगा आपका नीचे साइड में, यहाँ पे कि मैं एरो भी जो ने प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करना हो तो इससे कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि आपको यूज़ नहीं करना तो उसको ऑफ ही करके रखना है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। जैसे कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो ब्लूटूथ मोड यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, पॉज रिवर्स एंड आगे करने के लिए आपको बटन दिख रहे होंगे, तो आप लोग इससे कन्वर्ट कर सकते हो। इतना तो पता ही होगा आपको। नीचे साइड आपको पगारिया और लिखा हुआ मिल जाता है, और R-970 जो कि मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर राइट साइड के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या फंक्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर USB, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो उससे, तो यहाँ से आप मोबाइल लगा के कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर और एयरफोन जैक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप रेडियो को चार्जिंग करने के लिए जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाएगा एक, और ये क्या हुआ नहीं पता, वो आपको चार्ट के द्वारा समझाऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। एक और यहाँ पर हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि रस्सी है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आती, जो कि आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो हाथ में लेकर घूम सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर भी दे दिया गया, जो कि छोटू सुए पर आप पेंट की पॉकेट में भी डाल के ले जा सकते हैं। तो अभी ऊपर साइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको टॉर्च वगैरह की सारा कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो इसको आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे पूरा तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, और राइट साइड में प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, जो कि पढ़ सकते हो आप लोग को। और यहाँ पर USB पेन ड्राइव लगाने की जगह भी गई है, और यहाँ पर वो दिया गया है जो कि इंडिकेटर चार्जिंग पे लगाएंगे ना गाइस, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर इस तरह से ऊपर साइड। और ऊपर साइड यहाँ पर बात कर ले तो एंटीना भी है गाइस, जो कि आपको देखने को मिल ही रहा होगा, जो कि आपको तो पता ही होगा। और पीछे साइड की बात कर ले तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो कि सारा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है, जो कि आप लोग रीड कर सकते हो यहाँ से वीडियो को पॉज करके। अगर मैंने सारा कुछ बताने जाऊँगा तो पर बहुत ज़्यादा लंबी हम बन जाएगी यहाँ पर वीडियो। और उसमें बैटरी की बात कर ले तो इस तरह से देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बैटरी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी, जो कि आपको 6-7 घंटे का आपको बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि आपको चार्जिंग भी उसमें अच्छा खासा मिल जाता है। क्या पता है ये काई का बटन है करा पर यही वॉल्यूम अप डाउन का बटन था गाइस, वो पता नहीं क्या, वो चार्ट में देखना पड़ेगा, ज़्यादा सर्च करने के बाद पता चला कि यही वॉल्यूम अप डाउन का बटन है। तो अभी सॉरी गाइस, वहाँ पर थोड़ी गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई थी गाइस, तो इसलिए सॉरी। तो यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ कि ये वॉल्यूम अप डाउन का ऊपर वाला आपका चार्ट देखेंगे तो आपको सारा कुछ। चार्जिंग पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पर USB आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर एडेक्टर भी उसके साथ ही देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से इस तरह से चार्जिंग देखने को मिलता है, जो कि आप लोग चार्जिंग कर सकते हो, जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ। यहाँ से मैं आपको स्क्रीन पर चार्ट प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो वीडियो को आप पॉज करके ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ में से गलती हो गई हो तो मैं गलती से समझ के माफ़ कर देना, गलती ही कराऊंगा। तो यहाँ से आप लोग सारा रीड कर सकते हो, अगर अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप इजीली उसको चेक कर सकते हो, सारा कुछ वहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर रेटिंग की बात कर ले तो 3.9 यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप स्क्रीन पर, 4 पॉइंट ऑलमोस्ट है यहाँ पर, तो देख सकते हो उसकी रेटिंग।
और उसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो 1379 रुपये देखने को मिलेगा, जो कि आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हो। और ये इन्फोसर कोई इन्फोसर वीडियो नहीं है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मेरे वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते प्यार देते हो, तो इसलिए मैंने बनाया हूँ। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।